नमस्कार। सबसे पहले लोकसभा चुनाव फर्रुखाबाद में हमारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता हैं और फर्रुखाबाद की सम्मानित जनता है, जिन्हों उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डॉक्टर नवल किशोर को भारी संख्या में आशीर्वाद देने का काम किया। और कल से लगातार इतने फोन आ रहे हैं और साथ में मतगणना स्थल के बाहर भी इतने प्रशंसक बाहर मौजूद थे, उन सभी ने मुझे ढांढस बधाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने डॉक्टर नवल किशोर को आशीर्वाद देने का काम किया। साथ ही सबको पता है कि जनता ने तो आशीर्वाद दे दिया जीत का, लेकिन प्रशासन के चलते और खास करके काउंटिंग के दौरान जिस तरह से खासकर कायमगंज विधानसभा में जिस तरह का दौर चला, मैं कह सकता हूं कि 18 राउंड की काउंटिंग के बाद काउंटिंग 31 राउंड तक की हो गई, लेकिन उसका डिस्प्ले जो 17 सी फॉर्म है हमारे किसी भी जो एआरओ टेबल पर रहते हैं उनको किसी को कोई फॉर्म नहीं दिया गया। मेरे द्वारा जब व्यक्तिगत अनुरोध मैंने किया तो जस्ट मामूली मात्र के लिए उन्होंने माइक से अनाउंस कर दिया, इवन कि उसको डिस्प्ले पर भी नहीं दिया और ना 17C2 फॉर्म दिया। और बाद में जब मालूम पड़ा आंकड़ों के आधार पर हम लोग 4700 वोट से जीत रहे थे, लेकिन किस तरह से काउंटिंग में घोलमाल करके मुझे हराने का काम किया गया, तो इसलिए कल मैंने पत्रकार साथियों को भी बताया था, मैंने अनुरोध किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको संज्ञान में ले। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा भी एक्सपर्ट ट्वीट किया गया था कि चुनाव आयोग संज्ञान में ले, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान में न लेकर और बहुत जल्दी काउंटिंग खत्म ही नहीं हो पाई, खत्म होने के तुरंत बाद ही जीत का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश राजपूत को देने का काम किया। हकीकत में वो 4700 वोट से हार के आए थे, इसलिए मैं खासकर अब आगे की प्रोसेस के लिए जनता ने जो प्यार दिया है मैं हमेशा आपके यहाँ आने का काम करूँगा और रहने का काम करूँगा। और खासकर अमृतपुर विधानसभा में जो मुझे उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक हमको वहाँ रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने दिन रात डॉक्टर नवल किशोर को हराने का काम किया है। उनके लिए भी सम्मानित जनता से कहना चाहता हूँ कि इनको भी आगे भविष्य में सबक सिखाने का काम करना और न्याय की गुहार के लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली मैं बहुत जल्द अपील करूँगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। साथ ही हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि जिस चीज़ के लिए हमने और आपने संघर्ष किया, खासकर भारत के संविधान को बचाने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के सपनों को भारत बनाने के लिए हम सभी से अनुरोध करेंगे कि वो प्रार्थना करें कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बने ताकि हम सभी को न्याय मिल सके। और इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अलीगंज विधानसभा के हमारे विधानसभा अध्यक्ष बड़े भैया और इसके साथ में सब बड़े भैया सुभाष साकी जी और अलीगंज विधानसभा के सम्मानित कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत दमदारी से चुनाव लड़ने का काम किया। और जिस तरह से हमें रिपोर्ट आ रही है अलीगंज विधानसभा के जो एआरओ साहब हैं और एआरओ साहब के साथ में वहां का पुलिस प्रशासन है, उन्होंने निष्पक्षता से चुनाव की काउंटिंग कराने का काम किया है, इसलिए भी उनको धन्यवाद देते हैं। और साथ में जितने भी हमारे फर्रुखाबाद लोकसभा के हमारे जिला अध्यक्ष जी और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी दमदारी से चुनाव लड़ाया, उन सबके साथ सम्मानित कार्यकर्ताओं और सम्मानित मतदाताओं